सात दिन सौंफ खाने के फायदे जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खाने से खत्म होते हैं ये 12 रोग। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सौंफ खाने का तरीका, जिसका वर्णन हमारे आयुर्वेद की ग्रंथों में, शास्त्रों में किया गया है, वो बताऊंगा और साथ में 21 भयंकर रोग कौन कौन से जड़ से खत्म होते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, अलग अलग बीमारी में सौंफ का सेवन अलग अलग तरीके से करना होता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को भी जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या, नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, चेहरे पे चमक नहीं रहती है, बाल बहुत अधिक झड़ते हैं, इसके अलावा अगर आप लंबे समय तक जवां बना रहना चाहते हैं, या फिर दोस्तों अगर आपको दाग धब्बे, झुर्रियां, झाइयां, रिंकल्स, पिंपल्स चेहरे पे होते हैं, उम्र से पहले बुढ़ापा आ रहा है, तो इससे महत्वपूर्ण वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे, पूरे इंटरनेट पे देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना, हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं किसी भी बीमारी से संबंधित, उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल में तुरंत एक सेकंड के भीतर मिल जाए। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छी क्वालिटी का सौंफ मार्केट से लेकर के आना है। मार्केट में दो तरह के सौंफ मिलते हैं, एक तो ना आपको डार्क ग्रीन कलर का मिलेगा, उसके ऊपर कलर किया जाता है, वो नहीं लेके आना है। लाइट ब्राउन और थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का जो सौंफ होता है ना, वही देसी सौंफ होता है, वही आपको लेकर के आना है। इस तरह से पीस करके इसका पाउडर आपको बना लेना है। मिक्सी ग्राइंडर में भी पीस करके पाउडर बना सकते हैं, या पत्थर के सिलबट्टे में कूट करके भी इसका पाउडर बना सकते हैं। हो सके तो थोड़ा सा पाउडर बनाने से पहले आप सौंफ को भून लीजिए तवे के ऊपर। तो भूनने से क्या होता है, पाउडर बनाने में आसानी भी होती है और इसके पोषक तत्व ना दोस्तों डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहली बीमारी। देखिए आजकल ना लोगों को चेहरे पे चमक ना रहना, जिसको कहते हैं ना ओज और तेज और नूर रहना, अगर आप वो पाना चाहते हैं, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दाग धब्बे, झुर्रियां, झाइयां, रिंकल्स, पिंपल्स, अगर आपके चेहरे पे किसी भी तरह की कोई भी समस्या रहती है और गोरापन, अगर आप फेयरनेस पाना चाहते हैं, तो आधा चम्मच आपको क्या करना है, सौंफ का पाउडर ये ले लेना है और एक गिलास पानी आपको लेना है, उसको थोड़ा सा गुनगुना कर लेना है। और ध्यान रखिए पानी होना चाहिए तांबे के बर्तन का, उसके बीच में दोस्तों आपको एक तिहाई चम्मच मिलाना है नीम की पत्तियों का पाउडर, जो कि बहुत आसानी से इंडिया में मिल जाता है कहीं पे भी, और एक तिहाई चम्मच की मात्रा में टर्मरिक जो होती है ना हल्दी, उसका पाउडर मिलाना है। ये गर्मी नहीं करेगा, चिंता ना करें आपके शरीर में, क्योंकि सौंफ भी ठंडे होते हैं, नीम की पत्तियों का पाउडर भी ठंडा होता है, तो वो दोनों तीनों चीजें मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। तो ये पानी को अगर आप हफ्ते में 5 से 6 बार सुबह खाली पेट सेवन करते हैं, तो ये चेहरे पर चमक लाता है। सबसे पहले दाग धब्बे, झुर्रियां, झाइयां, रिंकल्स, पिंपल्स, चेहरे पे कालापन आ गया, डल सा चेहरा रहता है, आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, इस तरह की समस्याओं के लिए ये जो मैंने आपको पानी बनाना सिखाया ना, बेहद ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दूसरा दोस्तों इसका फायदा बताऊं मैं आपको, ये जो मैंने आपको अभी पानी बताया ना, अगर दोस्तों आप इसका सेवन करते हैं निरंतर रूप से, बीच में थोड़ा सा शहद मिला करके एक चम्मच की मात्रा में, तो ये खून की कमी, प्लेटलेट्स की कमी, आरबीसी की और डब्ल्यूबीसी की और इम्यूनिटी की कमी को भी दूर करने में मदद करता है। आइए जानते हैं अब जिनको जोड़ों में, घुटनों में, कमर पीठ, हाथ पैर में दर्द, नसों की ब्लॉकेज, नसों की कमजोरी, दबी हुई नस की समस्या रहती है, उसमें दोस्तों आपको सौंफ का प्रयोग किस तरह से करना है, जिसका वर्णन हमारी आयुर्वेद के ग्रंथ स्वदेशी चिकित्सा में किया गया है, जिसको श्री राजीव दीक्षित जी ने लिखा था। दोस्तों आपको क्या करना है, एक गिलास की मात्रा में पतीली में दूध डाल देना है, और लगभग ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ना, ये एकदम ऑप्शनल है, इसको कहते हैं धागे वाली मिश्री, जिसको रॉक शुगर भी कहते हैं इंग्लिश में, इसको पीस करके इसका पाउडर बना लीजिए, या ऐसे भी आप दूध के बीच में मिला सकते हैं। ये मैंने फिर से कह रहा हूं कि ऑप्शनल है, जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो इसको कंज्यूम नहीं करना चाहता है तो नहीं करे। इसके बीच में आपको एक चम्मच की मात्रा में डाल देना है सौंफ का पाउडर, अगर आप 2 गिलास दूध डाल दें तो 2 चम्मच मिलाइए, यानी कि व्यक्तियों के अनुसार, एक व्यक्ति है तो 1 चम्मच, 2 व्यक्ति हैं तो 2 चम्मच, उस तरह से आपको दोस्तों सौंफ को इस तरह से पका लेना है अच्छे से। और ध्यान रखिए इसके बीच में कुछ और भी जड़ी बूटियां मिलानी है, जैसे कि दालचीनी जो होती है ना, जिसको हम सिनेमन कहते हैं, वो आप इसके बीच में मिलाइए लगभग 2 से 2.5 ग्राम की मात्रा में, और 1 से 2 इलायची भी इसके बीच में मिलाइए, एक तो स्वाद के लिए भी बहुत
बहुत अच्छा होता है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सर्दियों के मौसम में आधी चुटकी हल्दी का पाउडर या ताजी हल्दी भी इसके बीच में मिलाएंगे तो जोड़ों घुटनों के दर्द में, नसों की ब्लॉकेज में, सूजन में बेहद ही लाभकारी है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो आधी चुटकी की मात्रा में सौंठ का पाउडर, जिसको ड्राई जिंजर पाउडर, सूखी हुई अदरक का पाउडर कहते हैं, वो भी आप इसके बीच में मिला सकते हैं। दूध को पकाइए और जैसे ये थोड़ा सा गुनगुना ठंडा गर्म हो जाता है और इसका अगर आप सेवन करते हैं रात को सोते समय, क्योंकि हमारी आयुर्वेद की किताब स्वदेशी चिकित्सा जिसको श्री राजीव दीक्षित जी ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि रात को सोते समय दूध का सेवन करना अति उत्तम माना जाता है, सुबह दूध का सेवन करना अच्छा नहीं होता है। सुबह फल का रस पीना चाहिए, दोपहर में लस्सी छाछ जिसको बटर मिल्क कहते हैं वो पीना चाहिए और रात को दूध पीना चाहिए। तो अगर आप इसका सेवन करेंगे ना हफ्ते में 4 से 5 बार सर्दियों के मौसम में खासकर, तो ये जोड़ों घुटनों के दर्द, कमर पीठ, हाथ पैर, गठिया रोग या फिर घुटनों से ग्रीस खत्म होने की समस्या, नसों की ब्लॉकेज, नसों की कमजोरी, डब्ल्यूएनएस की प्रॉब्लम, नसों की सूजन, इस तरह की नर्व की कोई भी पेन की प्रॉब्लम अगर आपको रहती है उसमें बेहद ही लाभकारी होता है। दोस्तों अभी तो हमने ये आपको सिर्फ 2 फायदे बताए हैं, टोटल में आपको इसके बीच में 21 बेनिफिट्स बताने वाला हूं। तो ध्यान पूर्वक आपको वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाना है और ध्यान पूर्वक वीडियो को देखना है। अगला फायदा बताऊं तो यही दूध के बीच में अगर आप 1 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा, शतावर और सफेद मुसली, तीनों जड़ी बूटियां 1-1 ग्राम की मात्रा में मिलाते हैं और इसका सेवन दोस्तों करते हैं एक्सरसाइज या योग प्राणायाम करने के बाद शाम के समय सोने से आधा घंटा पहले, तो ये ताकत को बढ़ाने में पुरुषों में खासकर बहुत ही जबरदस्त होता है। कई लोग मुझे नीचे लिख के बोलते हैं कि सर हमारे शरीर में आलस्य, थकान, कमजोरी, दुर्बलता, ताकत की कमी बहुत अधिक रहती है, तो उन पुरुषों के लिए जिन्होंने हिला हिला के अपने शरीर का सत्यानाश कर दिया है, उन पुरुषों के लिए 3 जड़ी बूटियां इस दूध के बीच में मिला करके सेवन करना अति उत्तम माना जाएगा। और इसका भी वर्णन हमारी आयुर्वेद की किताब स्वदेशी चिकित्सा में श्री राजीव दीक्षित जी ने बहुत सारे अपने व्याख्यानों में भी और किताब में भी किया, तो उसका जरूर अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें और हफ्ते में 4 से 5 बार इसका सेवन कर सकते हैं। 100 मिलीलीटर की मात्रा में यानी कि 1 गिलास की मात्रा में दूध होना चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए। आइए जानते हैं अब अगला प्रयोग किसके लिए। देखिए सौंफ का इस्तेमाल इंडियन कल्चर में प्राचीन काल से पेट से संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता रहा है। पेट में अगर आपकी गड़बड़ी रहती है, खाया पिया शरीर को नहीं लगता है, मोटापे की समस्या बहुत अधिक रहती है, कब्ज की समस्या जिसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, सुबह उठ करके सही समय पर संडास नहीं आता है, तो इसमें आपको क्या करना है, तांबे के बर्तन के पानी को स्टील की पतीली में डाल देना है 1 से 1.5 गिलास की मात्रा में। 2 चम्मच की मात्रा में सौंफ का पाउडर मिला सकते हो या फिर देसी खरड़, जो सौंफ होता है ना, ये जो मैंने यहां पर डाला है वीडियो में, इसको मिला सकते हो। इस तरह से इसको चलाते रहिए, 1/2 चम्मच की मात्रा में इसके बीच में त्रिफला चूर्ण आपको मिला लेना है और साथ में दोस्तों आप इसके बीच में दालचीनी, थोड़ा सा सौंठ, थोड़ी सी दोस्तों आप इसके बीच में चाहें तो काली मिर्च का पाउडर बहुत कम मात्रा में, ये सभी चीजें भी मिला सकते हैं। और इसका सेवन अगर आप सुबह खाली पेट करेंगे हफ्ते में 2 बार, उससे अधिक आपको नहीं करना है, तो आप देखेंगे कितनी भी भयंकर से भयंकर कब्ज की समस्या हो या किसी भी तरह की प्रॉब्लम जितनी मैंने आपको बताई है अभी वीडियो में हो, तो ये ठीक करने में मदद करता है। आप देखेंगे पकने के बाद सौंफ का पानी इस तरह से हो सकता है, हो जाता है। और मोटापे के लिए आपको क्या करना है, इसको ठंडा करके छान करके आपको इसके बीच में नींबू का रस 1/2 चम्मच की मात्रा में मिलाना है, यानी कि 1/2 कट्टा नींबू का रस और शहद मिलाना। लेकिन ध्यान रखें उबलते हुए पानी में कभी भी शहद ना डालें वरना वो जहर हो जाता है। तो पानी जब आपका थोड़ा गुनगुना बचेगा, हल्का सा गर्म बचेगा, तभी आप शहद मिलाएं, इसके बीच में सेवन करें। शहद पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है और महिलाओं में ना खून की कमी बहुत अधिक हो जाती है मासिक धर्म के कारण। महिलाओं में आयरन की कमी और खून की कमी बहुत अधिक देखी जाती है और कैल्शियम की कमी, तो उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद होती है ड्रिंक। लेकिन बीच में शहद मिलाना बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनको भी कैल्शियम की, खून की कमी, मासिक धर्म में किसी भी तरह की कोई भी समस्या रहती है, उनको शहद का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए, अति उत्तम माना जाता है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर यही जो ड्रिंक है इसके बीच में आप अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली का पाउडर 1/2 ग्राम की मात्रा में मिला करके सुबह खाली पेट सेवन करेंगे, एक्सरसाइज
या फिर योग प्राणायाम करने के बाद, तो ये बेहद ही लाभकारी है ऐसे पुरुषों महिलाओं के लिए जिनको दोस्तों दूध नहीं पचता है, जो लैक्टोस इंटॉलरेंट हैं, उनके लिए पानी का सेवन करना है आपको। तो दोस्तों अगर आप ये चीजें करेंगे, मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। वीडियो को अपने एक मित्र के साथ जरूर शेयर करें, क्या पता उसकी मदद हो जाए। और जो दूसरों की मदद करता है ना दोस्तों, ऊपर वाला उनकी जरूर मदद करता है। वीडियो को लाइक करना और मित्र के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक दोस्तों आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद दोस्तों।